सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। मैं हूं अजय सागर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इफ, एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट, मतलब कि ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं एक ही कंडीशन में अप्लाई हम कैसे करते हैं। लेकिन ये सारे का सारा टॉपिक आज का सेशन डिस्कस करने से पहले, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा प्रीवियस वीडियो जो है हमारा उसको रिव्यू कर लेते हैं कि उसमें मैंने कुछ आप लोगों को टास्क दिए थे करने के लिए कि जो आप लोगों ने काम करने हैं। होप सो आप लोगों ने वो टेबल जो है वो खुद से बनाया होगा, बना के देखा होगा कि वो टेबल कैसे बनाते हैं। जिन्होंने बना लिया वो तो बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं बन पाया वो आगे बिल्कुल ना चलें जब तक कि वो बन नहीं जाता। अगर किसी को नहीं समझ आई, नहीं बना सका कोई, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आप लोगों को वहां पे कोड दे दूंगा कि वो कैसे बनाना है। तो चलें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने इफ कंडीशन देखी कि अगर हमने रियल लाइफ एग्जांपल ली थी कि अगर बाजार जाते हो तो ये ले आना, एक कंडीशन थी। उसके बाद हमने उसको ऑप्शन दी कि अगर जाओ मार्केट और 1 kg मिल्क लेके आओ, अगर 1 kg नहीं मिलता तो 1/2 kg ले आओ। मतलब ये कि अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा पहले वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा, इफ वाला, अदरवाइज एल्स वाला ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो अब हम कंडीशन देखने जा रहे हैं वो है कि सबसे पहले इफ का ब्लॉक होगा। इसका सिंटैक्स क्या, चले मैं वो आपको दिखाता हूं कि इसमें क्या होगा कि सबसे पहले इफ वाला ब्लॉक जो है, इफ और इसमें कंडीशन होगी, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट होगा। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसके अंदर जो भी कोड होगा वो सारे का सारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस सूरत में क्या होगा, नेक्स्ट कोड जो ब्लॉक है उसकी कंडीशन चेक करेगा कि इसमें इसकी अपनी कंडीशन होगी, ठीक है, इसकी कंडीशन चेक करेगा वो। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होती है तो फिर नेक्स्ट आ जाएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इल एल्स एफ इफ जो है सिर्फ एक दफा ही लिखा जाएगा, आप इसको जितनी दफा चाहें लिख सकते हैं नीचे। मसलन एल्स इफ कंडीशन और ग्रुप ऑफ कोड, यहां पे जो भी कोड ब्लॉक कोड ब्लॉक होगा वो यहां पे आ जाएगा, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नेक्स्ट एल्स इफ पे आ जाएगा, अगर वो भी फॉल्स होती है तो नेक्स्ट पे, एंड सो ऑन। उसके बाद क्या होगा कि अगर सारी की सारी फॉल्स होती हैं तो फिर क्या होगा, एल्स वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कहीं पे भी एल्स इफ की कंडीशन जो है वो ट्रू होती है तो हमारा जो कंडीशन का प्रोग्राम है, जो कोड है, वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, उससे आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलें इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं कि हम इसको कैसे देखते हैं एल्स इफ को। तो हम आ जाते हैं अपने ड्रीमवीवर में, ये हमारा प्रीवियस ही कोड लिखा हुआ है, इसी को हम जो है ना यूज कर लेते हैं। ये मैं सारी की सारी इफ कंडीशन रहने देता हूं, बाकी जो है एल्स भी रहने देता हूं। चलें जी, यहां से ये भी रिमूव कर दिया मैंने जी। तो पहले हम अपना सिंटैक्स पूरा कर लेते हैं। तो यहां पे हमने क्या लिखना है, एल्स इफ, एल्स इफ, ठीक है, और इसके आगे कंडीशन लिखनी है, कंडीशन लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगा देने हैं। इसमें अब हम कंडीशन लिखेंगे, हम यहां पे लिखते हैं, यहां पे हमने लिखा है एज 1 > एज 2, तो यहां पे हम लिखते हैं एज 2 > एज 1, तो यहां पे हम लिखते हैं $age2> $age1, ठीक है। तो ये हमारी हो गई, तो यहां पे हम लिख देते हैं दिस टाइम, यहां पे मैं लिख देता हूं इको, और यहां पे मैं कर देता हूं एक स्ट्रिंग, मैं यहां पे लिख देता हूं एज 1 इज
ग्रेटर देन एज टू, ठीक हो गया। तो यहां पे मैं लिखता हूं इको एज टू इज ग्रेटर देन एज वन, ठीक है। ये हमने कंडीशन लिख दी। अब हमने क्या करना है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर ये भी फॉल्स होती है तो क्या होगा, फिर क्या होगा कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस सूरत में हम लिख देते हैं इको, अच्छा देखें, अगर तो उसकी एज कम होगी तो ये आ जाएगा, अगर ज्यादा होगी तो ये आ जाएगा। अब किसी सूरत में वो एज फेलो भी तो हो सकते हैं ना, तो अगर वो एज फेलो हो तो हम लिख देंगे बोथ आर एज फेलो, बोथ आर एज फेलोज, ठीक है। तो चलें अब हम कंडीशन को ट्रू करते हैं। पहले है जी हमारी एज, इसको हम रख देते हैं 20 और इसको हम रख देते हैं 30। तो अब है जी हमारी एज वन जो है वो कम है, एज टू बड़ी है, तो अब आना चाहिए एज टू इज ग्रेटर देन, तो ये हमारे पास आना चाहिए। तो चलें रन करके देखते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये आ गया एज टू इज ग्रेटर देन एज वन। अब हम इसको जो है वो करके देखते हैं, बड़ा करके देखते हैं, तो इसको मैं 200 कर देता हूं, कंडीशन ही फॉल्स करनी है ना, तो अब आना चाहिए एज वन इज ग्रेटर देन। दोबारा से इसको रिफ्रेश करते हैं तो अब आ गया एज वन इज ग्रेटर देन एज टू। अब हमने दोनों को इक्वल कर देना है ताकि हम देखें कि हमारी थर्ड कंडीशन जो है वो आती है कि नहीं आती, तो इसको भी हम थर्ड कर दिया। अब जाके हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या आ गया, बोथ आर एज फेलोज, ठीक है। इस तरह से हम अपनी कंडीशन जो है वो कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं और वो सारी की सारी अप्लाई कर सकते हैं जो कंडीशन हम चाहें। अच्छा अब हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी और यहाँ पे एक और दफा में पेस्ट, इक्वल टू का साइन लगा देते हैं कि अगर इक्वल टू है तो ये आ जाए तो ये वाली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इक्वल टू का साइन लगा, तो यहाँ पे एक्चुअली मुख्तलिफ तरह की कंडीशन जो है वो आ सकती हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो कोई कंडीशन में माजर के साथ के टाइम काफ़ी ले गया, फॉल्स नहीं कर पा रहा, तो अब हम सही पाथ पे जा रहे हैं तो इसको भी हम इक्वल टू कर लेते हैं कि अगर ये आती है तो ये आ जाए। अब हम 30 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 30, तो अब ये नीचे वाली आ जाएगी लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसको 40 कर देंगे तो उससे नीचे वाली आ जाएगी, ठीक है, वो था रेज फेलोस। अब अगर हम यहाँ पे कोई रैंडम नंबर डाल देते हैं जैसे 41, तो फिर क्या होगा कि प्लीज एंटर करेक्ट एज आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे जाके एग्जीक्यूट करते हैं तो आ गया प्लीज एंटर करेक्ट एज, थैंक्स गॉड, बड़ी मुश्किल से आज जो है ना हमने अपनी कंडीशन जो है वो फॉल्स की है। तो चलें आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।